9 सितंबर 2023 आज प्रांतीय आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ओमकार सिंह ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडर पर जो 200 रुपए सरकार के द्वारा अचानक कम किए गए हैं, उसके बारे में बताते हुए कहा कि LPG सिलेंडर की कीमत 2014 से लगातार बढ़ रही है और पिछले 7 वर्षों में दोगुनी हो गई है और 2020 से भाजपा सरकार ने भाजपा सब्सिडी देना भी बंद कर दिया है। पिछले 2 दशकों में LPG सिलेंडर की मूल्य वृद्धि के रुझान पर बारीकी से नजर डालते में आम जन की आंखें खुली की रह जाएगी। प्रेस वार्ता में जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष श्री प्रदीप सिंह, जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव डॉक्टर राम रतन पटेल, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य इगलास हुसैन, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के जगत के अध्यक्ष सोम पास एवं अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। किस संबंध में प्रेस वार्ता बुलाई गई है? आज ये प्रांतीय आह्वान पर जो इस सरकार को एकदम होश आया कि 200 रुपये सिलेंडर पर कम करने चाहिए घरेलू गैस सिलेंडर पर, उसको लेकर के हमने आज प्रांतीय आह्वान पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है जी। जिसमें कि लगातार पिछले 2 दशकों से अगर हम नज़र डालें तो उन्होंने जनता की जेब से 8,33,640 करोड़ रुपये से ज़्यादा की लूट की है और हमारी उज्ज्वला बहनों से ही 2017 में 68,702 करोड़ रुपए लूट लिए। अब इन्होंने मात्र जैसे ऊंट के मुंह में जीरा इन्होंने 200 रुपए कम दिए हैं। केवल इनके दिमाग में यह है कि अब चुनाव आने वाले हैं और इनको लगा, इनको एहसास हुआ कि चुनाव में माताएं बहनें सिलेंडर को लेकर के काफ़ी दिलों में उनके गुस्सा है, तो उन्होंने सोचा कि इन्हें 200 रुपए की राहत करके हम इसको कुछ बनाने की कोशिश करें। लेकिन निश्चित रूप से जहाँ हमारे कांग्रेस की सरकारें हैं, हिमाचल है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, जहाँ भी कांग्रेस की सरकारें हैं वहाँ पर 500 रुपये का सिलेंडर है, तो ये हर माता बहन देख रही है कि आपने एक 1200 रुपये का सिलेंडर करके 200 रुपये घटाए हैं, अब भी आप लूट रहे हैं, अब भी आप माताओं बहनों की जेब से, हमारे जनमानस की जेब से डाका डाल रहे हैं, अब भी आपको यहाँ हमारे यहाँ 1000 रुपये का सिलेंडर पड़ता है। तो ये जो केवल इनका दिखावा है कि 200 रुपए हमने कम कर दिए हैं, केवल मात्र चुनावी स्टंट है और इसके अलावा कुछ नहीं। तो अध्यक्ष जी, फिर क्या कोई रणनीति आपके द्वारा बनाई गई है, इसको किस तरीके से काउंटर करेंगे आप और आपकी पार्टी, क्या रणनीति इस संबंध में भविष्य के लिए मानकर चल रही है? देखिए, हम लोगों ने फिलहाल तो ये जो पर्दाफाश इन्होंने जिस तरीके से 200 रुपए घटाए और अपनी हमदर्दी जनता में लेने की कोशिश की, उसको लेकर के हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बाकी हाईकमान का अगर कोई निर्देश आता है तो इनके खिलाफ कोई हम लोग धरना प्रदर्शन या जो भी इस सिलेंडर या मूल्य बढ़ते जो भी मूल्य बढ़ाए जाएंगे उनके खिलाफ करेंगे, तो पार्टी का आदेश होगा, उसके निर्देश अनुसार कार्य किया जाए। नहीं तो इनका कहना ये है, भाजपा ये कहती है भाई 2000 पहले से सिलेंडर मुश्किल में मिला करता था और हमारे समय में आने से आसान हो गया सिलेंडर के मिलना, इस संबंध में आपका क्या कहना, पार्टी क्या सोचती है आपकी? देखिए, ये कहना इनका कि जब कांग्रेस की सरकार थी कि सिलेंडर मुश्किल से मिलता था, ये कहना इनका बिल्कुल गलत है और बहुत आराम से आदमी को सिलेंडर मिलता था और इन लोगों ने जब सिलेंडर पर मात्र कुछ रुपए ही बढ़ते थे तो ये लोग सड़क पे आ जाते थे जी। आज इन्होंने जो हमारी सरकारों का रेट था उससे इन्होंने चौगने कर रखे हैं जी, और जहाँ हमारी सरकारें हैं उससे भी दुगने रेट हैं। जहाँ हमारी सरकारें 500 रुपये का सिलेंडर है और यहाँ अब भी 1000 रुपये का, तो जहाँ आज भी इनके अपने आप में गरिमान में झांकने की ज़रूरत है सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि किस तरीके से पब्लिक की जेब पर डाका डाल रहे हैं जी। अच्छा अध्यक्ष जी, एक बात ये बताइए कि आपका कहना है ये लगभग 9 लाख करोड़ रुपये इन्होंने ईंधन के पैसे बढ़ा के ले लिए, उसके बाद ये भी सुनने में आया है, आप लोग आरोप लगाते हैं कि इन्होंने 2014 में जो देश पर कर्ज था अब लगभग 52 लाख करोड़, आज आप लोग कहते हैं 155 लाख करोड़ रुपए कर्ज है, RBI से भी इन्होंने पैसा 2-3 लाख करोड़ रुपए ले लिया, तो आखिर इतने पैसे का क्या कर रहे हैं ये लोग? सही बात तो ये है कि जो हमारे नेता कहते हैं ये दो परिवारों की मदद कर रहे हैं, दो उद्योगपतियों की मदद कर रहे हैं और ये उद्योगपतियों की सरकार है। खुले खुले हमारे नेता ने सदन में पूछा था कि अडानी और अंबानी से माननीय मोदी जी का रिश्ता क्या है, उसका जवाब आज तक प्रधानमंत्री ने नहीं दिया, न किसी नेता ने दिया, अपितु उसके खिलाफ इन्होंने षड्यंत्र रच के उनकी सदस्यता समाप्त करने का प्रयास किया, जो कि माननीय
शुक्रगुजार हैं न्यायालय के जिन्होंने कि साफ सुथरी अपना आदेश दिया और उन्होंने पुनः राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल की। तो ये सरकार जो है, ये जो आप बता रहे हैं, आज ही इन्होंने उद्योगपतियों का लोन माफ किया है, लेकिन किसी गरीब का लोन माफ नहीं कर सकते, किसी किसान का नहीं कर सकते। हमारे मनमोहन सिंह ने 73,000 करोड़ रुपया किसानों का माफ किया, उससे किसानों को लाभ पहुंचा। आज ये सरकारें, आप एक नहीं 85 में बताने लग जाऊंगा तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों का कितना कर्जा माफ किया है। आज भी उसी करने उसी प्रयास में रहते हैं कि किसी तरीके से किसी उद्योगपति का, किसी गरीब का ना हो, उद्योगपति का हो जाए। ये है इनकी रणनीति। अच्छा, आखिरी सवाल पूछ के अध्यक्ष जी खत्म कर दें इस वार्ता को। तो आप लोग ये आरोप लगाते हैं भाई मीडिया पर कुछ ना कुछ नियंत्रण है, और आप लोग कहते हैं भाजपा के पास संसाधन बहुत हैं, तो आप लोग फिर इस मुद्दे को, यदि आप ये मान के चलते हैं ये जेन्युइन मुद्दा है, जनता प्रभावित होगी, आप जन जन तक पहुंचाने के लिए क्या रणनीति है आपके पास, बताना चाहेंगे क्या? मान्यवर, ये है कि हम लोग जन जन, हमारे पास क्योंकि एक जो गोदी मीडिया है वो तो उनके खिलाफ कुछ दिखाना ही नहीं चाहता। आज भी वो अगर आप टीवी पर देखें तो जो गोदी मीडिया है वो हिंदू मुस्लिम वर्सेज आर्गूमेंट्स होते हैं, देश के मुद्दों पर बात नहीं होती, देश की आर्थिक स्थिति पर बात नहीं होती, देश के विकास के बारे में बात नहीं होती, बात होती है तो हिंदू मुस्लिम में करते हैं, जो कि उनका एजेंडा है। उनका एजेंडा ही यही है कि हम किसी तरीके से धार्मिक भावनाओं से खेल कर पुनः सत्ता में आ जाएं, तो वही गोदी मीडिया चलाता है। हम लोगों का प्रयास ये है कि हम अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे सोशल मीडिया एक विभाग है उसके माध्यम से, और हम लोग स्वयं अपने जा के घरों में जा के और गांव-गांव जा कर इस चीज़ को उजागर करेंगे। जैसे आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और हमें मालूम है कि जो पत्रकारिता में अपने कलम की ताकत जानते हैं वो हम लोगों को छापेंगे, और जो गोदी मीडिया है वो तो खिलाफ सही है, वो तो निश्चित रूप से उनके गुणगान करता है। तो ये माननीय अध्यक्ष जी भविष्य में एक बड़ा आंदोलन की रूपरेखा पृष्ठभूमि तैयार कर रही है कांग्रेस? निश्चित रूप से कांग्रेस जो है आने वाले वक्त में इस सरकार के खिलाफ, और इन्होंने और संविधान की छेड़ दी है, संविधान में हस्तक्षेप करने के लिए उन्होंने जो 7 दिन का सत्र बुलाया है वो भी बगैर, हमारी सोनिया जी ने लेटर लिखा है, उसमें पत्र लिखा है, उसमें कहा है कि इन चीज़ों पर चर्चा होनी चाहिए, तो मुख्य विषय यही है कि महंगाई पर चर्चा होनी चाहिए। तो ये लोग संविधान से भी खेलने की कोशिश कर रहे हैं, अगर इन्होंने ऐसा किया तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा आंदोलन कांग्रेस करेगी। चलिए, शुक्रिया।